शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो माँ, मैं अंबर बोल रहा हूँ। अरे अंबर, नियति से बात करनी है। नहीं माँ, नियति से नहीं, रोहन से बात करनी है। जरा फोन दीजिए ना उसे। अरे बेटा, रोहन तो खा पी के सो रहा है, उठेगा ना तो बात करा दूंगी। सो गया? ठीक है, नियति से कहना जैसे ही वो उठे मेरी उससे बात करवा दे। हाँ बाबा, करा दूंगी। और कुछ नहीं, बस ठीक है। सो गया, सोचा था लंच टाइम में उसे ढेर सारी बातें करूंगा। कोई बात नहीं बाबा, फोन अपना है, बच्चा अपना है, है? लंच के बाद कर लेना फोन। लंच के बाद क्लाइंट से मीटिंग है, भूल गए? अरे हो, मैं तो भूल गया। अरे भाव, उसकी तैयारी भी तो करनी है। वो तुम बताने वाले थे मेरे को फाइनल कोटेशन कितने का कोट करने का। लिखो। क्या हुआ, किसका फोन था? इनका तो नहीं था? नहीं छोटी, तुम्हारे उनका फोन नहीं था, बल्कि तुम्हारे बेटे के पापा का फोन था और वो अपने बेटे से बात करना चाहता था। अच्छा, बेटे के आते ही बीवी को भाव देना बंद। तुमने भी तो अपने बेटे के आते ही अपने हस्बैंड को भाव देना बंद कर दिया है ना। चोबा बग, मी काय ड्यूटी वर है। आता मी तुला काय सांगते ते ऐक। मी येते लवकर येते, काळजी करू नको। बैठी गाड़ी में। ओके चल ठेव। हॉलर जी सर, नागपूर चलो। ओके। रोहन, रोहन टंकी बाज कहाँ चला गया ये? रोहन, अच्छा बदमाश यहाँ छुपा है। रोहन, अरे रोहन, अच्छा रोहन, मैंने हार मान ली। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। रोहन कहाँ चला गया ये? रोहन, अरे छोटी, ये तुम्हारा छुपा छुपी का खेल अब तक चल रहा है क्या? अरे मम्मी जी, देखिए ना, पता नहीं कहाँ जाके छुप गया है। ना तो सामने आ रहा है और ना कोई आवाज कर रहा है। अरे सब जगह ढूंढा तुमने? बड़ी के कमरे में देखा? मम्मी जी, मैंने पूरा घर देख लिया है, रोहन मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया शैतान। अरे नियति, तुम किसे ढूंढ रही हो? अरे मंजली, तुमने रोहन को देखा? वो तो मेरे कमरे में सो रहा है। तुम्हारे कमरे में? जी। देखिए रमा जी, बच्चे भी कैसे होते हैं, कहां तो रोहन मेरे पास बिल्कुल नहीं आता था और आज आया तो ऐसा कूदता फांदता आया और आकर मेरी गोद में बैठ गया जैसे मेरा ही बेटा। बस 5 मिनट उसे गोदी में लेकर घुमाया और तुरंत सो गया। सो गया? हाँ। अरे लेकिन वो बिना खाए तो सोएगा ही नहीं, जरूर जग रहा होगा वो, मैं देखती हूँ। अरे नियति, तुम चिंता मत करो, उसे मैंने खाना खिला दिया। अच्छा, ऐसी दवा खिलाई है तुम्हारे बेटे को कि अब ये रोज मेरे पास आएगा और मेरा ही होकर रह जाएगा। इस घर में किसी भी बच्चे पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है नियति, क्योंकि तुमसे पहले मैंने अपना बच्चा खोया है। मंजली, अब तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक बच्चे को चाहे किसी भी कारण से जानबूझकर खोने का पेन क्या होता है,
पर एक माँ के लिए एक बच्चे को गोद में लेने से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। के लिए अब इतने का इंतजाम कर पाया। हेलो, लगता है तुम्हें कोई नई नौकरी मिल गई। इस शहर में नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? तो ये पैसे कहां से आए अतुल? तुम आम खाओ ना, पेट क्यों गिन रही हो? अतुल, आई एम योर वाइफ और मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि ये पैसे आए कहां से। ओ प्लीज, तुम औरतों की तरह अपना बिहेव शुरू मत कर देना। औरत, डेमोक्रेसी, हक, अधिकार, राइट्स, आई गिव देम टू ऑल दैट नॉनसेंस, ओके? अतुल, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? आजकल तुम मेरे किसी भी सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते हो? जब से मैं मॉम के घर से लौटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं कोई क्या? जैसे जैसे बोलो, क्या जैसे जैसे? जैसे मैं कोई पराई हूँ वैसा बर्ताव कर रहे हो तुम मेरे साथ। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ पराई जैसा बर्ताव कर रहा हूँ? और तुम जो मुझे यहाँ छोड़कर अपने मायके चली गई थी, वो कैसा बर्ताव था? वो पराई जैसा नहीं था। By the way, घर खर्च के लिए कोई पराया पैसे नहीं देता, अपना ही पैसे देता है। और रही बात मेरी, जिसकी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तुम उससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हो? Why are you so bloody demanding? तुम पहले मुझे अपने घर वालों की नजरों में गिरा चुकी हो, अब तुम मुझे मेरी नजरों में गिराना चाहती हो? अरे तुम इसे सुलाया क्यों? मुझे इसके साथ खेलना है। मैंने नहीं सुलाया, वैशाली दीदी ने सुलाया, वो उसे लेकर के गई थी। तुम्हारा मतलब है कि ये वैशाली भाभी के पास गया था? तो बहुत अच्छी बात, फाइनली रोहन ने वैशाली भाभी को एक्सेप्ट कर ही लिया। और अब वो कितनी खुश हो गई होगी ना? बहुत। अब तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अब देखना ये सारे घर वालों को बहुत। बोलो, जगाने की कोशिश मत करो, तुम पर गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, खाना खाया इसने? वैशाली दीदी ने दलिया खिला दिया। अच्छा, तो अब इसे खाने के बहाने भी नहीं उठा सकते? जी नहीं। अच्छा, जो उसने दलिया खाया है वो मुझे थोड़ा सा मिल सकता है खाने के लिए? कोई दलिया वलिया नहीं मिलेगा, बड़ों वाला खाना है, वो खाना है, लेकर आती हूँ। और खबरदार जो इसे उठाया तो। ठीक है, जल्दी करो, भूख लगी है। आती हूँ।
बोला था ना केस की फाइल लेके आओ मेरे पास, अभी तक फाइल लेके नहीं आए हो और डीआईजी साहब मुझे फोन कर रहे हैं। हाँ तुम फाइल भेजो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? यस हेलो मिस्टर तांबे, आई एम सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम पुणे। प्लीज टू मीट यू। 4 महीने पहले रोहन नाम का एक बच्चा पुणे से किडनैप हुआ था। उसे किडनैप करने वाली औरत को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन उसका कहना है कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर यह बच्चा उसे बिछड़ गया। अच्छा, इस बच्चे के साथ कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? उसकी बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में। मिस्टर तांबे, ये उस बच्चे के पेरेंट्स हैं। हेलो, देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, यदि आपका बच्चा हमारे इलाके में है तो हम बहुत ही जल्द उसे ढूंढकर आपको सौंप देंगे, ठीक है? ए कदम इकड़े आ। ये फोटो हमारे जिले में जितने भी पुलिस स्टेशन है ना सबको मेल कर दो और अर्जेंट लेवल पे सर्च का ऑर्डर भी दे देना, ठीक है? ठीक है सर, चाहिए फटाफट कर दो। जी हो सकता है कि आपके बच्चे के बारे में ऑलरेडी किसी को कुछ पता हो, ठीक है? मुझसे भी तो बात करो ना। क्या बात करूं? कुछ भी। करूं मैगजीन दो? नहीं दूंगी, मेरे लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ना। जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाता मेरे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन अपने लिए और तुम्हारे लिए नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ अतुल? तुम जो भी समझो, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक मुझे कोई ढंग की जॉब नहीं मिल जाती, मेरी लाइफ सेटल नहीं हो जाती, तब तक तुम मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत लगाना। लगाओगी तुम्हें भी अफसोस होगा और मुझे भी। बड़ा अजीब शहर है, यहाँ पे दुकानें इतनी जल्दी बंद हो जाती हैं। कुछ खाने को भी नहीं मिला। खाने को नहीं मिला या पीने को नहीं मिला? इस समय भी तुम्हें खाने पीने की सूझ रही है ना? अब भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? तुम कौन सा पिछले 4 महीने से खाना पीना त्याग कर बैठी हुई हो? हाँ एक्सक्यूज मी, आप लोगों के बच्चे के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज मिली। करीब 3.5 महीने पहले नागपुर के किसी पुलिस स्टेशन में कोई आदमी रोहन नाम के किसी बच्चे को पुलिस को हैंडओवर करके गया है। आपका मतलब हमारा बेटा इतने दिन से पुलिस के पास है? जी नहीं, उसके बाद पुलिस ने उसे किसी बाल मंदिर के हवाले कर दिया है। मतलब मेरा रोहन बाल मंदिर में है? इंस्पेक्टर साहब, क्या हम अभी वहाँ जाएंगे तो मुझे मेरा रोहन मिल जाएगा? जी हाँ, और मैं आप लोगों को वहीं ले जाने के लिए आया। चलिए आप मेरे साथ आइए। क्या हुआ?
कुछ नहीं। बोलो ना। इसी के बारे में सोच रही थी। वो तो मैं जानता हूँ कि तुम रोहन के बारे में ही सोच रही हो। वैसे भी आजकल तुम्हें किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ है। इसके लिए एक अच्छा सा स्कूल पता करो ना। इतनी जल्दी? अरे अभी इसकी उम्र ही क्या है? हाँ जी, तो रोहन का नर्सरी में एडमिशन करवाया है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, हम अभी से अच्छा स्कूल ढूंढेंगे, तब जाके हमें टाइम पे अच्छा स्कूल मिलेगा। मैंने तो सोचा था कि हम इसे बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। ये किसी बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएगा, ये यही रहकर पढ़ेगा मेरे पास, समझे? तो तुम इसे मम्मा'स बॉय बनाओगी? हाँ हाँ हाँ। अब हंस के आ रहे हो, मैं जो करूँ? नहीं, तुम बहुत अच्छी माँ हो, मैं बहुत अच्छा बेटा, लेकिन मैं ना इतना बुरा बाप भी नहीं हूँ। मैं नागपुर के सबसे बेस्ट स्कूल से इसके लिए प्रोस्पेक्टस लेके आया हूँ। सच? हाँ, और अगले सेशन में इसका नाम दर्ज भी करवा देंगे। ये हुई ना बात। वैसे एक बार क्लियर कर दूँ, इसका होमवर्क तुम ही करवाओगे, ओके? हाँ, वो तो मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि आजकल की पढ़ाई जो है ना वो बहुत टफ हो गई है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा तुम्हें। मतलब मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अम्मा, मैं इसको पढ़ा नहीं सकती। अब तुम लोग देखो इसको कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाती हूँ, तुम पढ़ाते हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें कह दिया। शर्मा जी, भाई साहब उठिए। आप लोगों को भी रात का ही समय मिलता अनाथ बच्चे को यहाँ छोड़ जाने के लिए। बताइए आज किसे लाए हैं? आपकी नई नई पोस्टिंग हुई यहाँ के पुलिस स्टेशन में? जी नहीं, मैं पूना से यहाँ आया हूँ। हमें पता चला कि हमारे एरिया के एक खोए हुए बच्चे को लोकल पुलिस आपके अनाथ आश्रम में छोड़ गई है। क्या नाम है बच्चे का? रोहन। वो हमारा बेटा है, ये उसकी फोटो है। ये वो यही है ना? ये तो यही था लेकिन अब नहीं है। वो ठीक है लेकिन अब वो यहाँ नहीं है।